नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम उद्योगों के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उद्योगों में आज हमारा टॉपिक रहेगा नमक उद्योग। नमक उद्योग के बारे में आज हम इस क्लास में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था उद्योग और इसमें आज हम नमक उद्योग के ऊपर चर्चा करेंगे। नमक उद्योग, नमक उद्योग यह रासायनिक उद्योग है। नमक उद्योग है ना, जो रासायनिक उद्योग है। नमक का उत्पादन समुद्री जल या झीलों से होता है। नमक की मंडी नावा नागौर के अंदर राज्य में नमक मंडी नावा नागौर के अंदर नमक मंडी राजस्थान में भारत का लगभग 12% नमक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में भारत का लगभग 12% नमक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में भारत का लगभग 12% नमक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में नमक उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है? राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ कहाँ से होता है उसके बारे में अपन सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। सांभर झील कहाँ पर है? जयपुर में। यहाँ से राज्य में नमक उत्पादन होता है। यहाँ से देश का लगभग 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से यानी सांभर झील से भारत का 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। सांभर झील से राज्य में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है, लगभग 80%। सांभर झील से राज्य का लगभग 80% नमक का उत्पादन होता है। सांभर झील से राज्य का लगभग 90% नमक का उत्पादन होता है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य सांभर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। सांभर झील से नमक का उत्पादन सांभर सॉल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। अगला है पंचपदरा झील जो बाड़मेर के अंदर है। पंचपदरा झील कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। यहाँ से आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन किया जाता है। आयोडीन युक्त
नमक का उत्पादन, नमक का उत्पादन किया जाता है। पंचपदरा झील से आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन किया जाता है। यह नमक उत्पादन का कार्य पंचपदरा सोल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नमक उत्पादन का कार्य, नमक उत्पादन का कार्य पंचपदरा झील पंचपदरा सोल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। पंचपदरा झील से नमक उत्पादन का कार्य पंचपदरा सोल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है और यहाँ पर खारवाल जाति के लोगों द्वारा मुरलीधारी की सहायता से भी नमक का उत्पादन किया जाता है। खारवाल जाति के लोगों द्वारा भी मुरली जाड़ी की सहायता से नमक का उत्पादन किया जाता है। पंचपदरा झील से नमक का उत्पादन खारवाल जाति के लोगों द्वारा मुरली जाड़ी की सहायता से भी यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से राज्य का सबसे अच्छा नमक उत्पादन होता है। यहाँ से राज्य का सबसे अच्छा नमक का उत्पादन किया जाता है। पंचपदरा झील बाड़मेर से राज्य का यहाँ सबसे अच्छा नमक का उत्पादन किया जाता है। एक बार दोबारा देख लो, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। सांभर झील जयपुर के अंदर होता है। सांभर झील से भारत का 8.7% नमक का उत्पादन किया जाता है। सांभर झील राज्य का लगभग 80% नमक का उत्पादन करती है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य सांभर सोल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है पंचपदरा झील जो बाड़मेर के अंदर है। यहाँ आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन किया जाता है। पंचपदरा झील में आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ नमक उत्पादन का कार्य पंचपदरा सोल्ट लिमिटेड द्वारा किया जाता है और खारवाल जाति के लोगों द्वारा मुरली जाड़ी की सहायता से भी यहाँ से नमक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ से राज्य का सबसे अच्छा नमक का उत्पादन किया जाता है। पंचपदरा झील से राज्य का सबसे अच्छा नमक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ तक देखो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डीडवाना झील जो नागौर के अंदर है। डीडवाना झील ये नागौर के अंदर है। इस झील का नमक डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। यह नमक के ना जो सोडियम सल्फेट नमक का उत्पादन होता है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट नमक का उत्पादन होता है। डीडवाना झील से सोडियम सल्फेट नमक का उत्पादन होता है। इस नमक का उपयोग चमड़ा उद्योग व कागज उद्योग में किया जाता है। डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। यहाँ से सोडियम सल्फेट डीडवाना झील का नमक खाने योग्य नहीं है। यहाँ पर सोडियम सल्फेट नमक का उत्पादन होता है। इस नमक का उपयोग चमड़ा उद्योग व कागज उद्योग के अंदर किया जाता है। ये हमारे नमक उद्योग कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अपन कल चर्चा करेंगे। यहाँ तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल। सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप को। मिलते हैं कल। धन्यवाद।